जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स नंबर 2, यानी कि कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षा की समझ क्या है, यानी कि आपके अनुसार शिक्षा की परिभाषा देना है कि शिक्षा क्या होता है, और आधुनिक युग में राष्ट्र के विकास के लिए, यानी कि हमारे देश का, अपने राष्ट्र का विकास हो, इसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर की ओर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है, यानी कि शिक्षा ही एक मानव को अच्छे इंसान के रूप में बनाया जाता है। फिर आगे लिखता है, शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीक, दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्त आदि। यानी कि अगर शिक्षा में देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके आचरण मिलता है, और तकनीकी दक्षता, यानी कि आप टेक्निकल रूप से मतलब इफिशियंट होते हैं, दक्ष होते हैं शिक्षण और विद्या प्राप्ति करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा से आपको मिल सकती है। फिर आगे लिखता है, शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। यानी कि शिक्षा से क्या होगा, समाज के एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचले पीढ़ी को ज्ञान को हस्तांतरित किया जाता है, ज्ञान को बांटा जाता है। जैसे अगर आपके अंदर जितना ज्ञान है, आपसे जितने भी छोटे लोग होंगे उनको ज्ञान दीजिए। तो इस तरीके से समाज एक पीढ़ी द्वारा क्या है, एक अपने से निचली पीढ़ी को ज्ञान के रूप में हस्तांतरण किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को अंतर्निहित क्षमता, उसके व्यक्तिगत का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसके समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजिकृत करती है। यानी कि शिक्षा क्या है, तो एक व्यक्ति के अंदर की वह क्षमता है जिससे व्यक्ति का क्या हो, विकसित करने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि विकसित विकसित करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, और यही प्रक्रिया उसे समाज में एक बहुत ही बढ़िया वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजिकृत करती है। यानी कि समाज में एक सबसे बढ़िया रूप से, सामाजिक रूप से रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर लिखता है, व्यवस्था के दृष्टि से शिक्षा के 3 प्रकार हैं। अब व्यवस्था के दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहले का नाम है औपचारिक, और दूसरा है अनौपचारिक, और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। यानी कि व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। फिर हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आखिर औपचारिक शिक्षा क्या होता है और निरौपचारिक शिक्षा क्या है इसके बारे में। तो पहला है औपचारिक शिक्षा, वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वह शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं जो स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है, कॉलेज में प्राप्त किया जाता है, यूनिवर्सिटी में क्या प्राप्त किया जाता है, इसको हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य पाठचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यानी कि इस शिक्षा में क्या होता है, तो क्या पाठ पढ़ना है ये फिक्स होती है, कि आपको 9वीं में है या 12वीं में है, तो आपको क्या क्या पाठ पढ़ना है ये सभी निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। इसमें सीखने वाले को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। यानी इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है वो सीखने वाले को, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो लर्निंग पीरियड में होते हैं, उनको विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। मैंने उनको एक समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग विद्यालय जाना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कॉलेज ज्वाइन करना होता है। फिर लिखता है आगे, इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा में परीक्षा लिया जाता है, और परीक्षा लेने के बाद उसको रिजल्ट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दी जाती हैं, तो ये औपचारिक शिक्षा में की जाती हैं। फिर अगला है अनौपचारिक शिक्षा, वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें कोई योजना नहीं बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा।
जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठचर्या, न शिक्षण विधियां, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है उसे अनौपचारिक शिक्षा। यानी कि याद रखिएगा, औपचारिक में सभी चीज़ें फिक्स होती है, और वैसी शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई परीक्षा नहीं लिया जाता है, इसमें कोई विधि नहीं होती है, ये आकस्मिक रूप से क्या रहता है, सदैव चलते रहता है। मैंने जब मन तब आप किसी टीचर से पढ़ लीजिए, जब मन तब, मतलब इसमें औपचारिक के जैसा ये नहीं है कि आपको परीक्षा देना है तो आपको रिजल्ट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब इस शिक्षा में नहीं होता है। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। बिल्कुल सही, आप खुद, आप जीवन भर चलती है का मतलब क्या, आप जिन जीवन से रिलेटेड कुछ सिचुएशन, एज अ गार्जियन शिफ्ट में है तो उनको भी लाइफ में कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को संभालना है अपने घर परिवार को लेकर, तो उनका भी एक तरह का सिलेबस, उनका भी एक तरह का पढ़ाई हो रहा है जो जीवन में उनको झेलना पड़ रहा है, सभी चीज़ को, कभी दुख का कभी सुख का, तो वो सभी चीज़ें का ये फिक्स नहीं है कि उसका एग्ज़ाम होता है, ये आकस्मिक रूप से ये हमेशा जीवन में चलते रहता है। इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। देखिए, अब बच्चों के अंदर जो है सबसे पहली शिक्षा जो मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा ही मिलती है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा वो जहाँ पे बच्चे के माता पिता हैं वहीं के वातावरण से उनको ये शिक्षा मिलती है, सामाजिक शिक्षा जिसको कह सकते हैं। फिर अगला है निरौपचारिक शिक्षा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर निरौपचारिक शिक्षा क्या है। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती है, यानी कि ऐसी शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा के भांति उसके जैसा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में तो नहीं बांधी जाती, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का व्यवस्था करना होता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सामान्य शिक्षा का प्रसार करना, फैलाना, शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं। यानी बोला जाता है कि इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उन बच्चों या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं या औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है, उनको जो है निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। आगे है साथियों, शिक्षा के स्तर। अब शिक्षा के क्या क्या स्तर होते हैं? तो याद रखिएगा, शिक्षा को हम तीन स्तर में बांटते हैं। पहले का नाम है स्मृति स्तर, दूसरे का नाम है बोध स्तर, और तीसरे का नाम है चिंतन स्तर। अब बारी बारी से इनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि स्मृति स्तर किसको कहेंगे, बोध स्तर क्या है, चिंतन स्तर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्मृति स्तर। इस स्तर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिससे छात्र पढ़ाई के विषय वस्तु को आत्मसात कर सकें। यानी कि इस स्तर में बच्चों के अंदर वह गुण दिया जाता है या ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसी पढ़ाई करवाया जाता है ताकि वो किसी भी चीज़ को आत्मसात कर सके। आत्मसात मतलब होता है कि वो खुद पर निर्भर हो सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आत्मसत होते हैं। आत्मसात का मतलब होता है कि वो खुद से सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इस स्तर में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम पर महत्व जाता है। यानी कि इस स्तर में सांकेतिक, यानी कि संकेत के हिसाब से और श्रृंखला के हिसाब से उनको शिक्षा प्राप्त कराया जाता है। संकेतिक मतलब उसको इशारा करके समझाया जा सकता है, उसको श्रृंखला, सीरीज बाई, मैंने कि आज अगर सबसे छोटे स्तर पे तो छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी, पहले जोड़ फिर घटाओ फिर गुना, ऐसे करके उसको श्रृंखला में बांध कर एक सीरीज में उनको ये शिक्षा दी जाती है। तो स्मृति स्तर में यही होता है। दूसरा है बोध स्तर। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष
पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। यानी कि इस स्तर में शिक्षक जो होते हैं छात्रों को ऐसी पाठ्य पढ़ाते हैं, इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं किसी भी पाठ्य वस्तु को कि छात्रों को बुद्धि जल्दी से जल्दी विकसित हो, अधिक से अधिक उनको अवसर मिल सके और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। यानी कि छात्रों में बहुत सूझबूझ प्राप्त होने के लिए ये बोध स्तर, बोध मतलब ही होता है बुद्धि, तो कुल मिलाकर ये स्तर जो है उनके अंदर विकसित किया जाता है। बोध स्तर का शिक्षण विचारपूर्ण होता है, यानी कि बोध स्तर का जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो एक तरह के विचारपूर्ण है, यानी कि विचारात्मक होता है। बोध स्तर के प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मरिशन को है, यानी कि याद रखिएगा बोध स्तर का जन्मदाता, यानी कि जो हम लोगों का यहाँ बोध स्तर है, तो इसके पिता या जन्मदाता कौन है? हेनरी सी मरिशन। तो हेनरी सी मरिशन को बोध स्तर का जन्मदाता भी कहा जाता है। फिर अगला है चिंतन स्तर, यानी कि ये है आपका चिंतन स्तर। इस स्तर के शिक्षण में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। यानी कि इस स्तर में क्या होता है, तो बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता, बहुत सोचने वाली जो क्षमता है, उसके वृद्धि कराई जाती है, ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपने समस्या का समाधान कर सके। मतलब कि एक टीचर और एक स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो टीचर की मदद से, टीचर के हेल्प लेकर अपने समस्याओं का समाधान कर सकता है और उसके अंदर की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन होने लगता है या उत्पन्न होता है। यानी कि इस स्तर के बच्चों में क्या होता है, तो आलोचनात्मक यानी कि आलोचना करने लगते हैं, मौलिक चिंतन आने लगता है वो लोग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चिंतन स्तर में देखने को मिलती है। फिर अगला है शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि अगला पॉइंट जो है वो शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि हम लोगों का सवाल ही था कि राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य मात्र शिक्षा नहीं होना नहीं होता। यानी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप किताब पढ़ते रहें, बल्कि शिक्षा के कई अन्य मकसद होते हैं जिसे कोई शैक्षिक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। यानी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप शिक्षित हों, सिर्फ आप किताबी का ज्ञान रखते हों, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषित किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी का क्या कहना है, तो महात्मा गांधी के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के विकास से है। यानी कि महात्मा गांधी का ये मानना है कि शिक्षा जो है उससे क्या होता है, तो शिक्षा से बालक व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। यानी कि महात्मा गांधी का कहना है कि भाई शिक्षा केवल बुक से नहीं होता, शिक्षा जब आप प्राप्त करेंगे तो उससे बालक, मनुष्य का शरीर के साथ साथ मन और आत्मा का भी सर्वांगीण विकास होता है। अच्छा, दूसरे बात अगर अगला विद्वान का बात करें, तो अगला विद्वान हम लोग लिए हुए हैं वो है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, आप नाम तो सुने होंगे, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, बहुत ही प्रचलित विद्वान है स्वामी विवेकानंद। तो इनके अनुसार देखा जाए तो मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य के का अंतर्निहित, मनुष्य के अंदर एक अभिव्यक्ति ही, यानी कि मनुष्य के अंदर अच्छी सोच है, अच्छा उसके अंदर का व्यवहार है, तो उसी को इन्होंने अच्छी शिक्षा कहा है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, तो शिक्षा का, ये तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार हो गया। फिर आगे लिखा है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कहता है, यानी कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य जो है यह कहता है कि समाज प्रत्येक मनुष्य का है। यानी कि समाज किसका है, वो प्रत्येक मनुष्य का है। समाज में रहकर वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि समाज का जो है शिक्षा जो है उसका सामाजिक उद्देश्य यह होता है कि समाज अकेले नहीं चलता है,
परंतु समाज में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तरह तरीके से अपने समाज को शिक्षित कर सकते हैं। तो ये है हम लोगों का सामाजिक उद्देश्य। तो ये था हम लोगों का शिक्षा का उद्देश्य, जिससे राष्ट्र के विकास में हेल्प हो सकता है, मदद हो सकता है। तो साथियों, ये थे हम लोगों का कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन के मास्ट VVI क्वेश्चन। तो साथियों, इस चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें। आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल पे लाते हैं BEd से रिलेटेड मोस्ट VVI क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो साथियों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।